दोस्तों अपन शुरू करते हैं सर्जरी, और सर्जरी के अंदर पढ़ते हैं कुछ शब्दावली परिभाषाएं, है ना। डेफिनेशन, परिभाषाएं, शब्दावली पढ़ते हैं, हाँ, जिनका सर्जरी के अंदर बहुत महत्व है ना। पहला हम पढ़ते हैं एब्सेस। हाँ, एब्सेस क्या होता है? फोड़ा, जिसे अपने गांव में क्या बोलते हैं, फोड़ा। एब्सेस क्या होता है? एब्सेस होता है फर्स्ट इन क्लोज कैविटी इन अंडर द एपिडर्मिस, है ना। फर्स्ट इन क्लोज कैविटी अंडर द एपिडर्मिस, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे एक कैविटी के अंदर पस का भर जाना, है ना, एक गुहा के अंदर पस का भर जाना, पस का इकट्ठा हो जाना, वो क्या कहलाता है? एब्सेस कहलाता है, है ना, फोड़ा कहलाता है। कि त्वचा के अंदर, त्वचा के अंदर एक कैविटी के अंदर पस का भर जाना, वो क्या कहलाता है? एब्सेस कहलाता है ना। एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या होता है? एब्सेस का ट्रीटमेंट होता है ओपन एंड ड्रेनेज, है ना, ओपन एंड ड्रेनेज। कोई भी एब्सेस है उसको फील करो, है ना, जैसे उसको पालपेट करोगे तो एक जगह ऐसी दिखेगी आपको, ऐसी महसूस होगी जहाँ वो सॉफ्ट होगा, है ना, जहाँ वो कोमल होगा, उस जगह चीरा लगाना होता है, है ना, उस जगह चीरा लगा के और उसकी पस को बाहर निकालना होता है, है ना, उसकी पस को बाहर निकालना होता है। पूरी पस को बाहर निकालने के बाद में उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं, लाल दवा से धो के और ओवेडीन आयोडीन लगा देते हैं। तो ये क्या है? एब्सेस, है ना। दूसरा होता है ट्यूमर, है ना। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर होती है कोई भी गांठ, है ना, गांठ जो कठोर हो, चारों तरफ से कठोर हो, सॉफ्ट नहीं हो, है ना, गांठ वो क्या कहलाती है? ट्यूमर, जो कठोर हो, मांस का एक, है ना, मांस की एक गांठ में बन जाती है एक जगह पर, उसे क्या बोलते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर होती है दो तरह की होती है, एक तो बेनाइन ट्यूमर होती है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, है ना, बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है। दो तरह के ट्यूमर पाई जाती है, एक तो बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है। बेनाइन ट्यूमर होती है वो एक ही स्थान पर स्थित होती है, बेनाइन ट्यूमर होती है वो एक ही स्थान पर स्थित होती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, है ना, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होती कहलाती है। जो ट्यूमर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, और जो ट्यूमर केवल एक ही स्थान पर होती है उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जितना ज़्यादा चीरा लगाओगे उतना ही ज़्यादा वो फैलेगी, है ना, कैंसर का रूप ले लेती है वो। तो ट्यूमर दो तरह की होती है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तीसरा होता है अर्निया, है ना। अर्निया क्या होता है? अर्निया होता है किसी भी बॉडी के किसी अंग का, बॉडी के किसी अंग का एक कैविटी से दूसरी कैविटी में चले जाना, बॉडी के किसी अंग का एक कैविटी से दूसरी कैविटी में चले जाना। जैसे थोरेसिक कैविटी का कोई भी भाग, थोरेसिक कैविटी का कोई भाग एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है, थोरेसिक कैविटी का कोई भाग एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है, या एब्डोमिनल कैविटी का कोई भाग पेल्विक कैविटी के अंदर चला जाता है, है ना, वो क्या कहलाता है? हर्निया कहलाता है। जैसे डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर क्या पेट का भाग होता है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाता है, डायफ्राम को पंचर्ड करके एब्डोमिनल कैविटी का भाग होता है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाता है, है ना। इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया के अंदर क्या होता है? जैसे एब्डोमिनल कैविटी होती है, इंटेस्टाइन होती है, एब्डोमिनल कैविटी का भाग होता है वो किसके अंदर चला जाता है? पेल्विक कैविटी के अंदर चला जाता है, है ना, इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। तो ये हर्निया होता है, हर्निया के अंदर एक सैक होता है, एक रिंग होती है, हर्नियल रिंग कहते हैं, हर्नियल रिंग होती है और एक हर्नियल सैक होता है, है ना, एक हर्नियल सैक होता है और एक हर्नियल रिंग होती है। आप जैसे यदि लेटेस्ट हर्निया है तो उसके अंदर क्या होता है, लेटेस्ट हर्निया को जैसे ही आप दबाओगे तो वो वापस, है ना, दब जाएगा, और वापस यदि उसको आप प्रेस करोगे तो वो हट जाएगा, है ना, तो वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। ऐसे वो हर्निया को बोलते हैं रिवर्सिबल हर्निया, है ना, ऐसा हर्निया क्या कहलाता है? रिवर्सिबल हर्निया कहलाता है, है ना। और ऐसा हर्निया जो बहुत ज़्यादा, ऐसा हर्निया जो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लंबे समय हो गया, ऐसा हर्निया
जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लंबा आर्मी हो गया, उसके अंदर क्या है एडिशन हो जाता है, मास कर जाता है, मास कर जाने की वजह से वो क्या है इरिवर्सिबल हो जाता है। आप उसको प्रेस करोगे, प्रेस करने पर वो अपने स्थान पर नहीं जाएगा, है ना, तो वो इरिवर्सिबल हर्निया होता है, है ना। हर्निया का ट्रीटमेंट वही सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी से यदि ज़्यादा समय हो गया तो हर्नियल सैक वाले भाग को हटा देते हैं और जो भाग पंचर्ड हुआ है उसे सुचरी कर देते हैं। अगला होता है सिस्ट। सिस्ट क्या होती है? सिस्ट क्या है, एक पानी से भरी हुई, ट्रांसपेरेंट पानी से भरी हुई एक क्या है थैलीनुमा संरचना होती है, यूनिफॉर्म होती है, पानी से भरी हुई थैलीनुमा संरचना होती है, वो क्या कहलाती है सिस्ट कहलाती है, है ना। सिस्ट कहलाती है जो पानी से भरी हुई ट्रांसपेरेंट होती है, पानी से भरी हुई ही एक थैलीनुमा संरचना जो बॉडी के अंदर बन जाती है, एबनॉर्मल होती है, वो क्या कहलाती है सिस्ट कहलाती है। एक होता है बॉयल, है ना। बॉयल क्या होता है, है ना, बॉयल होती है एयर फॉलिकल का इन्फ्लामेशन। क्या होता है एयर फॉलिकल का सपोरेटिव इन्फ्लामेशन, है ना, एयर फॉलिकल का सपोरेटिव इन्फ्लामेशन बॉयल कहलाता है। एयर फॉलिकल बाल की, है ना, बाल के जो फॉलिकल होती है जहाँ पर बाल लगा हुआ होता है उस बाल की फॉलिकल का क्या हो जाता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो क्या कहलाता है बॉयल कहलाता है, है ना। एक होता है फ्रंकल, फ्रंकल होता है पसीना ग्रंथि होती है, सीबीसीस ग्लैंड, है ना, सीबीसीस ग्लैंड पसीना ग्रंथि का इन्फ्लामेशन होता है वो क्या कहलाता है फ्रंकल कहलाता है, है ना। एयर फॉलिकल का इन्फ्लामेशन बॉयल कहलाता है और सीबीसीस ग्लैंड पसीना ग्रंथि का इन्फ्लामेशन होता है वो क्या कहलाता है फ्रंकल कहलाता है। सातवां है फ्रॉस्ट बाइट, किसे कहते हैं, है ना, फ्रॉस्ट बाइट किसे कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट किसे कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट होते हैं किसी भी ठंडी चीज से जल जाते हैं जो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो उससे जल जाते हैं वो क्या कहलाता है फ्रॉस्ट बाइट कहलाता है। जैसे LN2 के द्वारा जल जाता है, LN2 जार होता है, LN2 जार के अंदर जैसे आग डालते हैं कभी कभी क्या गलती से आग चला जाता है तो उसकी अमूली क्या जल जाती है, है ना, तो LN2 गैस -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो उस टेम्परेचर पर अंगुली जल जाती है उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। अगला होता है हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है, हेमेटोमा होता है जैसे सिस्ट होते हैं, सिस्ट के अंदर क्या होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है लेकिन इसके अंदर पानी भरा होता है, क्या भरा होता है पानी भरा होता है, ट्रांसपेरेंट पानी भरा होता है। हेमेटोमा के अंदर क्या होता है थैलीनुमा संरचना ही होती है लेकिन इसके अंदर क्या भरा होता है ब्लड भरा होता है, हेमेटोमा के अंदर ब्लड भरा होता है जबकि सिस्ट के अंदर क्या होता है ट्रांसपेरेंट पानी भरा होता है। ये क्या है कुछ परिभाषाएं हैं।